अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला से यही अकेले दुआ कि आप भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला हम सब सबको इस तरह खुश रखे, आमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बजरक वालों पर जिंदों के अमल पेश होते हैं। चलिए इस हदीस तक बढ़ते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तबरानी की रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बिला शुबह तुम्हारे अमल नामे तुम्हारे रिश्तेदारों और ख़ानदान वालों के सामने पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके होंगे। अगर तुम्हारा अमल नेक हो तो वो खुश होते हैं और खुदा बंद करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह ये आपका फजल और रहमत है, सो आप अपनी रहमत इस पर पूरी फरमा दीजिए और इस पर इस की मौत दीजिए जो हमारे घर वाले हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो पहले हमसे मर के जा चुके हैं, वो सब हमें वहीं मिलेंगे और उनके सामने हमारा अमलनामा पेश किया जाएगा। अगर अच्छा हुआ तो वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और अगर बुरा अमल उनके सामने पेश होता है तो कहते हैं कि ए अल्लाह इसके दिल में नेकी डाल दे जो तेरी रिजा यानी कि खुशी के लिए और तेरे कुर्ब की वजह बन जाए, यानी कि अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं। अगर जो जा चुके हैं लोग उनके आमालनामे में बुरा होता लिखा होता है उनको पेश किए जाते हैं तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह कि अल्लाह इसके अमलनामे में आपके कुर्ब से हासिल हो जाए। तो भाइयों आप सोचिएगा, हम इस दुनिया से हर बात छुपा लेते हैं और लेकिन ये सोचो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग जा चुके हैं हम भी जाएंगे, पूरी कायनात एक दिन इस दुनिया पूरी फना हो जाएगी जब अल्लाह की बारगाह में हश्र के मैदान में जमा होंगे, हिसाब किताब होगा, कयामत का दिन होगा। तो ये बताइए भाइयों, यहाँ जो हमने छुपा लिए गुनाह लेकिन वह हम कैसे छुपा पाएंगे? वहाँ पर हमारे माँ बाप दादी दादा नानी नाना और ख़ानदान के कुटुंब के पूरा दुनिया होगी। तो भाइयों जब हमारे अमल में बुरे होंगे तो हमें किस कदर अपने दिल में शर्म महसूस होगी और सोचेंगे वो लोग कि ये दुनिया में इस कदर दिखावा करता था नमाजों की और ये सब बातों की। तो भाइयों नमाजों का दिखावा ना क्या करें, और अगर आपको किसी से कहनी है नमाज के लिए तो सिर्फ 3 बार कहा करें, 3 बार से ज़्यादा किसी को मत कहा करें। और बस इसी सोच के इसी बात को सोचकर अपने अमल अच्छे कीजिए कि हमारा भी अमलनामा खोला जाएगा कयामत के दिन, हमारा भी हिसाब किताब होगा। बस आज के लिए इतना ही और कोई कमा भी इसलिए मगफरत चाहती हूँ। मैं फिर हाजिर होंगी न्यू वीडियो न्यू